इंग्लैंड के खिलाफ कटक में हुए दूसरे वनडे मैच के हीरो युवराज सिंह ने अपनी कमबैक सेंचुरी का जश्न कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ मनाया। युवराज ने तीसरे वनडे मैच के लिए कोलकाता रवाना होने से पहले होटल में कैंसर और ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के साथ कुछ समय बिताया। इस बात से पता चलता है कि युवराज सिंह केवल मैदान पर ही नहीं असल जिंदगी में भी हीरो हैं। युवी ने कटक के बाराबती स्टेडियम में तूफानी पारी खेलने के अगले ही दिन बच्चों के साथ खूब मस्ती की और उन्हें खुश किया। इन बच्चों का यहाँ निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चे युवराज के साथ समय बिताकर काफी खुश थे। आपको बता दें कि युवराज सिंह को 2011 वर्ल्ड कप के बाद कैंसर होने का पता चला था। उन्होंने इस बीमारी से लड़ाई जीतने के बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी की। आमतौर पर ऐसा देखने को कम ही मिलता है। युवराज पिछले 3 सालों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। हालांकि इस घरेलू सीजन में उन्होंने 200 और 170 से ज्यादा रनों की पारी खेलकर अपनी दावेदारी पेश की थी। टीम में चुने जाने के बाद कटक वनडे में उन्होंने 150 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद वो काफी भावुक दिखे। मैच के बाद उन्होंने कहा कि वो जिस लड़ाई को लड़कर आए हैं उसके बारे में सिर्फ उन्हें ही पता है। युवराज सिंह ने पिछले साल क्रिसमस से पहले मुंबई के परेल में सेंट जूट इंडिया चाइल्ड केयर सेंटर में कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ भी समय बिताया था। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।